ये है एक ट्रू वायरलेस ईयरबड्स ब्लिट्स वुल्फ कंपनी की तरफ से, मॉडल नंबर है BWFY E3, जो कि एक पावर हाउस आप कह सकते हो चार्जिंग बॉक्स के साथ में आता है, जिसकी कैपेसिटी है 2600 mAh की। और ये इसका साउंड काफ़ी अच्छा है। आज हम इसका रिव्यू करेंगे और जानेंगे ये किस हद तक हमारे उम्मीदों पर खरा उतरता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं कि Bangoo.com ने क्या क्या सामान इसके साथ में भेजा है और उसके साथ में क्या क्या आता है। ये देखिए, जैसे आपको दिख रहा होगा BWFY E3, ये ब्रांडिंग है ब्लिट्स वुल्फ की। और अगर मैं आपको इसके दाएं बाएं दिखाऊं, अब आप देख सकते हैं इसमें कि देखिए इसमें लिखा हुआ है 2600 mAh की इसका चार्जिंग बॉक्स है, 40 mAh का दोनों ही ईयरबड्स में 40 mAh की बैटरी है। और अगर आप देखो तो टोटली ये 40 आवर्स तक ये कंटिन्यू बच सकता है अगर इसके की इसका ईयरबड्स और इसका बॉक्स दोनों ही चार्ज हैं। और सिंगल चार्जिंग पे इसका 3 आवर्स का लगभग है दोनों ईयरबड का अगर साथ करते हैं तो आप। और देखिए ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है। चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। पूरा सील पैक आया है, देखिए अब इसको इस तरह से निकालते हैं तो देखिए कुछ इस तरह का आपको सामान मिलता है साथ में इसके। कैंची उधर रख देते हैं, पहले तो इस डब्बे पे आते हैं, देखते हैं इस डब्बे में क्या है। इसमें तो मेरे ख्याल से USB वगैरह होना चाहिए। अब देखते हैं किस किस कैटेगरी की किस क्वालिटी की है। इसमें तो आपका ईयरबड्स हैं 2, 4, 6, ये 3 का सेट है और एक शायद इसमें लगा होगा। और यह देखते हैं USB जो है कौन सी मिलती है। दोस्तों आज कुछ मुझको थोड़ा कोल्ड हो गया है तो इसलिए थोड़ी आपको हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी बदली लगे। ये देखिए ये USB 2 माइक्रो USB चार्जिंग केबल है, थोड़ी ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक सही है क्वालिटी। लेकिन हाँ मैं कुछ कहना चाहूँगा, देखिए आप कुछ अगर आपको दिख रहा हो तो ये थोड़ा सा टेक्सचर्ड है, इसका टेक्सचर्ड इसका जो रबड़ है काफ़ी टेक्सचर टाइप की है। देखिए अगर ये मोबाइल जो है कर पाए फोकस, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, ये अल्टीमेट क्वालिटी है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी मुझको लगी है इसकी। और देखते हैं ये तो आपका काफ़ी बल्की है, तो इतना बल्कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अच्छा खासा वजन है इसका। चलिए इसको साइड में रखते हैं, बाकी और क्या क्या देखते हैं साथ में। देखिए ये इसके कुछ मेरे ख्याल से वारंटी कार्ड या क्या होगा, हाँ देखिए इसमें ये वारंटी कार्ड है, कुछ QR कोड है। ये देखिए यू हैव 18 मंथ्स मैनुफैक्चर वारंटी, ये तो उसका वारंटी कार्ड हो गया। और ये इसका मैनुअल है, ये भी मैनुअल भी काफ़ी बल्कि है, अच्छा खासा है, कुछ पेजिंग वगैरह इस पर लिखे नहीं होगी, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कितनी पेज हैं इसमें, काफ़ी अच्छे खासे पेज हैं, लगभग कुछ नहीं तो इसमें लगभग 30 पेज 15-20 पेज तो होंगे, काफ़ी भारी है। तो बाकी तो ये सब साइड में रखते हैं और ये आपको दिखाते हैं कि किस तरह का है। इसमें देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए माइक्रो USB है और ये आपका इसके जो ये बॉक्स है इसमें जो भी बैटरी है उससे आप उसके थ्रू आप अपना कोई दूसरी डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं। और ये जो है ये इससे आप इस बॉक्स को चार्ज कर सकते हैं। और इस बॉक्स में तो मैं आपको दिखा पाऊँ तो इसमें लिखा हुआ है ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, मॉडल नंबर लिखा हुआ है, मेड इन चाइना लिखा हुआ है, लेकिन बॉक्स की जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इसको ओपन करने के लिए मैं सोच रहा हूँ किस तरफ से ओपन होगी, हाँ ठीक है ओपन हो गया। ये देखिए इस तरह से ये कट करके खुलता है और ये देखिए लाइट जल रही है, दोनों मुझको ऑन ही मिले हैं। और एक बार देख लेते हैं, ये देखिए ये इसके कनेक्टर्स हैं और ये इस पर R लिखा हुआ है। और ये देखिए ये इसका पूरा मैग्नेटिक मैकेनिज्म है और ये आपका इस पर देखिए इस पर L लिखा हुआ है और काफ़ी शाइनिंग करते हुए काफ़ी अच्छे से ये मुझको लगे हैं, इनको मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि ये मैंने ऑर्डर किया मुझको लगभग 15 दिन बाद मिले हैं, लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है कि लगभग बैटरी से पूरी है, शायद अभी तक ये ख़त्म बैटरी नहीं हुई है, अभी चल रहा है।
तो अनबॉक्सिंग में इतना ही है। चलिए आप इसका क्वालिटी वाइज एंड हर चीज़ को देखते हैं, इसकी इसका पूरा रिव्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा बहुत इसकी क्वालिटी पे, साउंड पे और इसकी हर चीज़ के ऊपर निगाह डालते हैं कि ये कैसा प्रोडक्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों ईयरबड्स हैं, ये दोनों इनका बैटरी कैपेसिटी जो है 40 mAh की है, 40-80 mAh का ये हो गया, और ये बॉक्स जो है 2600 mAh का है। यहाँ आप खुद अंदाज़ा ला सकते हैं कि आप ये 80 mAh की जो आपके ईयरबड हैं वो 2600 mAh में कितना बार चार्ज कर सकते हैं। तो 40 घंटे तो आराम से मिल जाएगा वो कंटिन्यू। और इसका साउंड क्वालिटी में मैंने काफ़ी कुछ इसको सुना था, तो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वोकल काफ़ी क्लियर हैं और बेस काफ़ी अच्छा है, इतना पंची है कि जैसे कि हम लोगों को इंडियन म्यूज़िक के लिए जो हम लोगों को चाहिए होता है बिल्कुल वैसे ही पंची बेस है। और ट्रेबल काफ़ी अच्छा है, वोकल्स काफ़ी क्लियर हैं, और इसका जो जैसे कि मैं आपको दिखाऊं बिल्ड क्वालिटी एकदम आलीशान है। और यहाँ पर जो ये इसमें एक रिंग जलती है वो काफ़ी ही देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो ओवरऑल तो मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, अगर जिसको भी अगर कोई टोटली ट्रू वायरलेस अगर आपको ईयरबड्स चाहिए हैं तो आपको इनमें जाने में कोई इशू नहीं है। ये मेरे अभी तक के सबसे अच्छे ईयरबड्स हैं, इससे पहले भी मैं 2-3 ईयरबड्स का रिव्यू कर चुका हूँ, बट वो जितनी अच्छी इसकी क्वालिटी है उतने अच्छे नहीं थे। तो ये अभी तक का सबसे अच्छा मेरा प्रोडक्ट रहा है अगर TWS की बात की जाए, TWS यानी कि ट्रू वायरलेस साउंड। तो ये मैंने मंगाया था Banggood.com से, और इसकी कॉस्ट लगभग मुझको पड़ी थी लगभग 2 से 2.5 के बीच में, और लेकिन अब ये थोड़े इस टाइम महंगे आ रहे हैं क्योंकि इनकी प्राइस घटती बढ़ती रहती है। तो मैं बेस्ट बाय लिंक जो हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप इसको डेफिनेटली ले सकते हैं जो भी अगर चाहता है कि ट्रू वायरलेस आपको ईयरफोन्स या आप कह सकते हैं ईयरप्लग लेने हैं। और अगर मैं आपको कुछ आइडिया दूँ कि आउट ऑफ 10 मैं इसको 8 की रेटिंग दूँगा, जिससे आपको एक अच्छा खासा अंदाज़ा लग जाएगा कि इसकी साउंड क्वालिटी या फिर बिल्ड क्वालिटी और इसके बैटरी बैकअप कैसा है। 8 अगर मैंने दिया है तो आप ये मान के चलो कि आप आँख बंद करके वो चीज़ ले सकते हो, अगर मैंने उसकी रेटिंग 8 दी है तो ये बिल्कुल एकदम लाजवाब प्रोडक्ट है, और मेरी तरफ से ये बिल्कुल हाँ हाँ इसके लिए, जिसको भी लेना हो वो ले सकता है। इसके बाद अब मिलते हैं किसी अगले प्रोडक्ट के साथ में अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।